परिवार की लाइन में हनुमान जी के मंदिर की लाइन में वो लग गया 1 रुपया उसकी जेब में, वो 1 रुपया लेके आया, इतना बड़ा सेट खड़ा है। जब खड़ा है तो ब्राह्मण ने देखा, हाँ आज तो ये लाइन में लग गया, कुछ ना कुछ होने वाला है, आज कुछ देगा, देखते हैं। सब लोग लाइन से दे रहे हैं देते जा रहे हैं, तो चार आदमी बाद इसका नंबर है। इसका नंबर है, गर्मी पड़ रही थी बहुत ज्यादा। अब ये 1 रुपया निकाल के हाथ, जब 1 रुपया हाथ में पकड़ के रखा था इसने, $1 नहीं 1 रुपया बोल रहा, तो 1 रुपया हाथ में पकड़ के रखा है। अब क्या करता है, उसको खोल के इसके हाथ में पसीना आया तो क्या बोलता है, 1 रुपये को बोलता है, बोल रहा है 1 रुपया तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता ना, देख कितना रो रहा है तू, ये बोल रहा है, तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता, रो रहा है तू, ठीक है कोई बात नहीं। जेब में रखा 1 रुपया, लाइन में से निकल के, साइड में से निकल के वो घर आ गया। जैसे घर जा रहा था ब्राह्मण ने देखा, और आज ये इतनी मुश्किल से इसको बार बार टोकने के बाद ये कैसे, ये आज मंदिर में आ गया, लाइन में लग गया, मगर अब क्या हो गया, लगता है इसका दिमाग चेंज हो गया। उसके पीछे उसको पूरा फॉलो किया उसने, ब्राह्मण ने बोलता कि सेठ जी आप आए लाइन में लगे और आपने कोई भगवान को, हनुमान जी को कोई भी प्रसाद या कुछ नहीं चढ़ाया, अरे कुछ तो दीजिए, घर में घुस गया जाके। जब घर में घुस गया ब्राह्मण बोल रहा है आज तो मैं कुछ ना कुछ भिक्षा लेके ही जाऊंगा, आज छोड़ूंगा नहीं। अब जब ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि मैं आज कुछ ना कुछ भिक्षा लेके जाऊंगा, तो क्या करता है वो, जब सेठ अंदर घुस गया, बोल दिया बेटे को कि ब्राह्मण, जब कोई ब्राह्मण आया है जब वो खटखट आएगा तो उसको बोल देना आज पिताजी नहीं है। अब ब्राह्मण ने खटखट आया, जब खटखट, अब ब्राह्मण बोलता कि पिताजी कहाँ है, पिताजी अभी मंदिर से आए थे, अभी कहाँ चले गए, अरे पिताजी तो है ही नहीं, पिताजी मंदिर से आए पता नहीं कहाँ चले गए, अरे ठीक है हम वेट करेंगे यहीं पर। ब्राह्मण ने पूरा डिसाइड किया कि मैं आज भिक्षा लेके ही जाऊंगा। जब उसने डिसाइड किया तो थोड़ी देर बाद वो क्या बोलता है, दोबारा से उसने नोक नोक किया, और वो क्या बोलता है कि पिताजी कहाँ है, नोक नोक किया, पहले से पिताजी ने बोल दिया कि बेटे को, अपने पुत्र को, कि तुम उसको ब्राह्मण को बोल दो कि पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी नहीं है। अब उसने बोला मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी नहीं है आज घर में। ब्राह्मण बोलता कि पिताजी बोल रहे हैं पिताजी घर में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, और हम भी भिक्षा लेके ही जाएंगे, मैं यहीं बैठा हूं। फिर दोबारा से उसने फिर नोक नोक किया, थोड़ी देर बाद नोक नोक किया, सेठ अंदर बैठा था, अब बोल दिया पुत्र को कि ऐसा करना, ब्राह्मण वो ब्राह्मण ही है, उसको बोल देना कि पिताजी राम राम सत्य हो गए, एक्सीडेंट हो गया, राम राम सत्य हो गए पिताजी। अब जाके बोला पिताजी तो पिताजी बोल रहे हैं राम, पिताजी राम राम सत्य हो गए। अच्छा पिताजी राम राम, पिताजी बोल रहे हैं पिताजी राम राम सत्य हो गए, तो ठीक है पिताजी राम राम सत्य, ब्राह्मण बोल रहे मैं तो ब्राह्मण हूँ, ठीक है देह संस्कार हम ही करेंगे, कोई बात नहीं, अगर पिताजी का राम राम सत्य हो गया हम देह संस्कार करेंगे तो ठीक है पिताजी को लेके आओ। अब पिताजी भी कैसा, इतना उसका दिखा रहे हैं कि वो कितना कंजूस है, कितना लोभी है, तो दिखा रहे हैं कि उसने, पिताजी ने क्या बोला, ठीक है वो पुत्र जाके बोलता है कि पिताजी वो ब्राह्मण तो बोल रहे हैं कि आज भिक्षा लेके जाऊंगा, अगर आप, आपका राम राम सत्य भी हो गया तो क्या करेंगे, देह संस्कार तो हम ही करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है वो पिताजी वो बोल रहे हैं कि वो आपका देह संस्कार करेगा, बोले ठीक है मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ठीक है 38 सजाओ। अर्थी सजाया उसको लेके जा रहे हैं, 4 कंधों पे बेटे ने उसका वो मटकी पकड़ के रखा है। अब बीच बीच में बेटे से चद्दर उखाड़ के बोलता है ब्राह्मण आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे आ रहा है। बेटा बोलता है पिताजी बिल्कुल आपके पीछे आ रहा है, एक पग भी हिल नहीं रहा इधर से उधर, शमशान में पहुंच गए कैसे ना कैसे। शमशान में पहुंचे, जब उसको लकड़ियों के ऊपर रख दिया उस सेठ को, अब सेठ जब लकड़ियों के ऊपर उसको रख दिया, वो क्या कर, वो जो सेठ था वो थोड़ा सा चद्दर उखाड़ के बोलता है अपने बेटे से, पूछता है कि ब्राह्मण है पिताजी, वो तो पूरा लेके खड़ा है सारा कुछ एकदम आपको पूरा जलाने के लिए। जैसी आग लगाया पिताजी अग्नि में से पूरा कूद कर, जैसी आग लगाया थोड़ा सा आग लगा कूद कर पिताजी बाहर आ गए। पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने एक रुपया निकाला अपनी जेब से और उसके ब्राह्मण के पूरा मत्थे पे मारा, थोड़ा ये ले 1 रुपया और मेरा पीछा छोड़। बोले आज तो प्रभु ने 1 रुपया दे दिया सेठ जी ने, 1 रुपया भगवान प्रकट हो गए, इतने में भगवान आ गए। भगवान ने बोला कि भैया सब लोग एक एक चीज का आदर्श दिखाते हैं, तुमने जो आदर्श दिखाया वो लोभ का,
क्या लोगों का आदर दिखाया कि तुम इतना कंजूस, जो कंजूसी का तुमने आदर्श आदर्श दिखाया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ उससे। तुम आप कुछ भी मांगो मेरे से, कुछ भी मांग सकते हो, कोई भी वर मांगो, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। तो सेठ कितना कंजूस है, सेठ बोलता है कि प्रभु अगर आपको मुझे कुछ भी वर देना है तो ठीक है, मुझे एक ही वर दीजिए, मुझे ब्राह्मण ने एक रुपया लिया उससे निकलवाइए वापस। कि वो कितना कंजूस, एक चवन्नी सारा जीवन परिश्रम कर रहा है, हम लोग सारा जीवन परिश्रम करते हैं मगर हम भगवान के नाम में एक रुपया भी नहीं देते। मगर महाराज जी यही बात बोल रहे थे, साधु लोग वृंदावन से आए हैं और ये लोग कोई मामूली नहीं है, ये बचपन से ये लोग भजन कर रहे हैं, बचपन से ना कोई घर है, बचपन से ही प्रचार कर रहे हैं, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, ना कोई घर है ना कुछ है, कपड़ा भी वही पहनते हैं, कपड़ा भी अगर कोई आप लोग दान कर देंगे तो पहन लेंगे, ये तो अपने पैसों से खरीदते नहीं है, वो पैसा कहाँ जाता है जो आप लोग एक रुपया देंगे। इतना कष्ट से ये लोग आते हैं, ये जो हमारे आश्रम, जो मंदिर में आश्रम, भक्त लोग, जो वृद्ध लोग और भी बहुत सारे साधु लोग भजन कर रहे हैं उनकी सेवा में, ठाकुर जी जो है ठाकुर जी की सेवा में उनको 4-5 टाइम भोग लगता है, उनको 5 टाइम ठाकुर जी का आरती होता है, तो उसी में जाता है। मतलब महाराज जी कहने का मतलब है कि हमको पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे लेने ले हैं, वो आपके वो साधु हैं। साधु का काम क्या होता है, भिक्षा करना, साधु का काम होता है भिक्षा करना, मगर महाराज जी वो एक ही चीज की भिक्षा कर रहे हैं आपसे। वो क्या भिक्षा कर रहे हैं, कल महाराज ने बताया कि भैया नाम का, आप अभी हमने हरे कृष्णा बोला, हमने राधे बोला, पैसा लगा, महाराज जी ने आपसे पैसा लिया, पैसा नहीं लिया। मगर मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर आप लोग वो जो अपने घर में हर शनिवार को प्रोग्राम रखेंगे, शाम का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि शनिवार को सभी का छुट्टी होता है, डे ऑफ होता है, तो अगर आप 1 घंटे का या 1.5 घंटे का भी प्रोग्राम रखेंगे, उससे क्या होगा, अभी हमने 1 महीने ये वंस अ मंथ हमने रखा, उससे क्या होगा, 1 महीने आपने रखा, फिर हमारे जो 1 हफ्ते का एनर्जी मिला, उसके बाद फिर हमको वो एनर्जी चला जाएगा, फिर 3 हफ्ते तक हम भूल जाएंगे सारा कुछ जो हमने यहाँ पे कीर्तन में गाया। हमारा हम लोगों का इच्छा है कि हम जो कीर्तन गाएंगे हर शनिवार सेम कीर्तन हम लोग एक बुक बना देंगे, जिससे कि हमको हर शनिवार हम सबको एक एक बुक दे देंगे हिंदी का, और वो सब लोग एक साथ मिलकर गाएंगे। हम सरिता विहार में दिल्ली में यही करते थे, आज बहुत सारे बड़े बड़े सब लोग वहां पर आकर जो मतलब शर्माते थे आने में, आज वो कीर्तन में सब सर हिलाते हैं, मतलब भगवान के इसमें, कि भगवान के नाम का ऐसा ही महाराज ने बताया कल। तो इसलिए आप लोगों से ये विनती है कि अगर आप लोग, और वहां पर मैं बता दूं, 3 साल का संडे पूरा बुक हो गया, 3 साल तक के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। कोई भी आता है कि प्रभु जी मेरे घर में आप आ जाओ और कीर्तन कर दो। देखो हमारे ये हमारे गुरु जी ने सिखाया कि हम लोग किसी से पैसे नहीं लेते, आप 1 रुपया देंगे वो जाके मंदिर की सेवा में लगे, हमारा कोई इसमें कोई उसमें वो है नहीं कि हमको काउंसिल से कोई आप लोगों को नाम कराने का कि हमको कुछ मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग हर सैटरडे को अपने घर में कहीं भी ब्रिस्बेन में कहीं भी गोल्ड कोस्ट में कहीं भी प्रोग्राम, ये सब भक्त लोग आएंगे, हम मिलकर कीर्तन करेंगे, और मिलकर उससे क्या होगा, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ, क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आप लोगों की वजह से हमको कीर्तन करने के मिलेगा, हमारी वजह से आप लोगों को मिलेगा, ये संघ जो मिलेगा जिससे संघ, उससे क्या होगा हम लोगों को, हम अगर हर हफ्ते करेंगे 1 हफ्ते के लिए हमको पूरा एनर्जी मिल जाएगा, वो एनर्जी मिलेगा उससे क्या होगा, कृष्ण सब समय हमारे ऊपर कृपा करेंगे, आप देखो वो सब बड़े, और वो लोग कुछ नहीं चाहते, सब आ जाते हैं, उनको कोई मतलब बड़ा ये घर को, अगर आपके घर में प्रोग्राम है घर को सजाना ये करना ये सब नहीं करना है, जाके हमको माइक सेटिंग कर देना है, आप लोग थोड़ा अगर बहुत प्रसाद या अगर कोई बना के लाते हैं वो कर देंगे, उससे क्या होगा बहुत सुंदर प्रोग्राम हो जाएगा, और ठाकुर जी कितना प्रसन्न होंगे जब आप लोग एक साथ मिलकर करेंगे, एक साथ मिलकर जब हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, हम सब लोगों का जो एक भावना रहेगा वो पूरा ऊपर जाके ठाकुर जी के चरणों में लगेगा, और आप लोग उसको देखना, क्योंकि मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, महाराज जी तो हमसे भी पहले से कर रहे हैं, महाराज जी हमसे ही पहले से कर रहे हैं, तो कितना आनंद मिलेगा आपका घर, जो महाराज बता रहे थे घर का जितना भी दुख है ना परिवार का सब भाग जाएगा दूर एकदम, आप एक बार करवा के देखिए। तो मेरा कहने का ये था कि मैं भूल जाऊं, लास्ट टाइम भूल गया था मंदिर में, तो इसलिए अगर कोई भी सैटरडे को प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो वो पीछे अचिंत्य प्रभु जी हैं, उससे आप लिखवा दीजिए अपना एड्रेस और सब कुछ, इससे कि हम लोग जाकर आपके घर में प्रोग्राम करें, टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे 4 के बाद
फोर क्लॉक के बाद, तो इसलिए सॉरी टाइम लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आपका टाइम लिया इसके लिए। तो आइए फिर कल भी आप जाएंगे फिर कल दादा माधव जी जाएंगे। मैं बोलता हूँ मैं उसके बाद बोलता हूँ, आप आ जाओ। हरे कृष्ण। Krishna, Krishna, Hare Hare.
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम Krishna, Krishna, Hare Hare बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम
भैया कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है हाथ उठाइए, सभी इसको वृंदावन जाना चाहते हैं, और जिसके पास जाने की टिकट नहीं है हाथ अपनी पॉकेट में घुसे, भले जाने का टिकट सभी के पास है, नाम के द्वारा आप लोग सभी जाएंगे। और कैसे हम जमुना जी में स्नान करेंगे इस कीर्तन में आगे आगे आएगा, हाथ उठाइए, हाथ नीचे रखने से गड़बड़ हो जाएगा, सभी हाथ उठा के, और हाथ की ताली, महाराज ने बताया हाथ की रेखा अगर चेंज करनी है तो ताली बजानी पड़ेगी, कि ताली भी क्यों बजाएंगे, अभी कीर्तन में भी आएंगे ये भी, तो सभी हाथ उठाइए दोबारा से, और आंख बंद करके अभी ठाकुर जी का वृंदावन में दर्शन कीजिए, गोविंद जी का। हो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारे, हो मिलेंगे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो प्रत्य यमुना में जाके हम तो नहाएंगे, प्रत्य यमुना में जाके हम तो नहाएंगे। भैया वृंदावन के लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह श्री यमुना जी का स्नान, जो वृंदावन गया है उसी वही जानता है कि वो यमुना जी का स्नान कितना आनंदमय होता है, कन्हैया खुद जाकर यमुना जी में स्नान करते हैं रोज दिन, और प्रत यमुना में जाके हम तो नहाएंगे, प्रत यमुना में जाके हम तो नहाएंगे, परिक्रम करके हम तो जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा करके जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा करके जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा करके जीवन सफल बनाएंगे, हो तेरे होंगे पूरन काज, तेरे होंगे पूरन काज, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कावर कारी, हो सब तीर्थों से प्यारा राधा नाम है, सब तीर्थों से प्यारा राधा नाम है, सब तीर्थों से प्यारा राधा धाम है, सब तीर्थ से प्यारा राधा धाम है, खेल रहे और राधे राधा श्याम है, खेल रहे और राधे राधा श्याम है, तेरे जीवन सफल हो जाए,
और तेरो जीवन सफल हो जाए। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कांवर कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कांवर कारी। सभी से प्रार्थना एक बार दोबारा हाथ खाइए और दोनों हाथ ताली की सेवा कीजिए। देखो भैया वृंदावन में जो जाते हैं जो वृंदावन के लोग हैं जैसी कीर्तन स्टार्ट होता है राधा नाम स्टार्ट होता है आरंभ होने से ही वो क्या करते हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं। इसलिए भक्त लोगों आप लोग अभी ब्रिस्बेन में नहीं हो आप लोग अभी कहां पर हो आप लोग वृंदावन धाम में हो। बिना टिकट के हम लोग वृंदावन धाम पहुंच गए और वहां पर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो दोनों हाथ ताली बजाइए और कोई भी ठाकुर जी के सामने नृत्य करे तो कितनी अच्छी बात है। प्रेम से ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी। और क्या बोल रहे वृंदावन धाम में और राधा की पायल छम छम बाजे राधा की पायल छम छम बा ओ राधा की पायल छम छम बाजे राधा की पायल छम छम बा छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे छम छम बाजे पायल राधा रानी ना छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे छम छम बाजे पायल राधा रानी सामने चेहरा तारा ना राधा का श्याम दीवाना सामने चेहरा तारा ना राधा का श्याम दीवाना ओ सामने चेहरा तारा ना राधा का श्याम दीवाना सामने चेहरा तारा ना राधा का श्याम दीवाना ओ राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना। जो कुछ बचे हैं चेयर पे जोर से ताली बजाइए। सामने आ जाओ खड़े होकर सब लोग खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ और सामने आ जाओ। ये देखो सुनो ये जो ये प्रभु जी दिख रहे हैं ये चिली से है चिली चिली साउथ अमेरिका चिली से इनका वेट था 400 किलो। ये ऐसी महाराज जी आए दो तीन बार इनके देश में ये बड़ा परेशान था बेचारा वेट से रामदेव भी इतनी जल्दी खटा नहीं सकता। आप लोग एक बार उछलेंगे एक किलो यहाँ से जाएगा दूसरी बार उछलेंगे दो किलो यहाँ से जाएगा। तो आप लोग सभी अगर जिसका सामर्थ्य नहीं है नृत्य करने का हाथ से ताली बजा के जोर से जिससे कि जो नाच रहे हैं जो नृत्य कर रहे हैं उनको भी उत्साह मिले आप लोगों का आप बड़े हैं। तो सभी लोग ओ राधा की पायल छम छम बाजे राधा की पायल छम छम ओ राधा की पायल छम छम बाजे राधा की पायल छम छम ओ छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे शाम पे छेड़ा तराना राधे 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 सामने चेहरा तराना राधा का श्याम दीवाना 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 ओ राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना।
दीवाना 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 राम ने छेड़ा तारा राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम राधा की पायल चम चम बाजे राधा की पायल चम चम राधा की पायल चम चम बाजे राधा की पायल चम 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 बाजे पायल राधा रानी नाचे 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 शान छेड़ा तराना राधे 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 शान छेड़ा तराना राधा श्याम दीवाना शान छेड़ा तराना राधा श्याम दीवाना शान छेड़ा तराना राधा श्याम दीवाना जब कन्हैया ने छेड़ा तराना तो कन्हैया कैसे नाच रहे हैं और उनके साथ गोपियां गोपियां क्या बोल रही है ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसियाल तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया ओ तेरी बंसी पे आज आओ मैं तो पीली चुनरिया और पे आओ मैं तो पीली चुनरिया जो नहीं नाचेगा
जो नहीं मान रहे चप्पल चोरी हो जाएगी बाहर से। चोर तो है नहीं आपको। सभी लोग हाथ उठाइए एक बार दोबारा से, हाथ उठाइए माता जी लोग, हाथ उठाइए पिताजी भैया जी, हाथ उठाइए आप लोग भी, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। कोई शर्माएगा नहीं, कन्हैया का दरबार है, ठाकुर जी सामने से आपको देख रहे हैं, और जो शर्माएगा वो तो सबको देख सकते हैं, हम तो आंख बंद करके बैठे हैं, हम देख नहीं पा रहे, ठाकुर जी सबको देख रहे हैं, तो इसलिए शर्माए ना प्रभु जी लोग। थोड़ा एक पैर को इधर हिलिए, थोड़ा हिलिए, जो पतला है उसको एक किलो आ जाएगा, बढ़ जाएगा साइड में दो तीन किलो, और जो जो जिसको मोटा होता है जो पतला पतला हो जाएगा, पतला हाँ जी। तो इसलिए आप लोग आइए, हाथ उठाइए एक बार, हाथ बांध के ना खड़े हैं। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बीच बाजार मोरी कपड़ो ना भैया, बीच बाजार मोरी कपड़ो ना भैया। मांग भी जाओ मेरे कुंवर को भैया, मांग भी जाओ मेरे कुंवर को भैया, ओ मांग भी जाओ मेरे कुंवर को भैया, मांग भी जाओ मेरे कुंवर को। हो लोग चुगली, हो लोग चुगली, हो लोग चुगली करेंगे तो सवार बसिया, और जो सखा कोई भी वैसे प्यार करता है तो क्या होगा। सास लड़े चाहे लड़े जेठानी, सास लड़े चाहे लड़े जेठानी, चाहे साजन कर मन मानी, चाहे साजन कर मन मान, हो चाहे साजन कर मन मानी, चाहे साजन कर मन, हो मैं तो आऊं, शाबाश।
जी लोग तो अच्छा नाच रही है लोग मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नाचते हैं क्योंकि भैया मैं पुरुष तो नहीं हूँ मतलब जो भी है जो भी है तो देखो बोल दिया महापुरुष तो मैं सब करता हूँ थैंक यू तो माता जी लोग कैसे नाच रही है मैं आप लोगों की तरह ही तो मेरी बेइज्जती हो रही है इसमें तो आप आइए बीच में मेरे सामने आइए और हम आपको दिखाएंगे कैसे नाचते हैं अजी मटकी पे मटकी धरी तो तू तो मटकी मटकी जाए और जा मटकी मटका के चक्कर में मेरी मटकी फूट जाए। हाथ उठाइए एक बार आप लोग रेडी है ना प्रभु जी लोग प्रभु जी अरे दीवार का सारा बात मिल रही है ना सब लोग हाथ उठाइए अजी होलिया में उड़े रे गुलाल अभी होली होली आने वाली है आप लोग ब्रज में जानते हैं वृंदावन में दो तीन महीने पहले ही लटमार डंडा मारने वाली होली शुरू हो जाती है और यहाँ डंडा नहीं है भाई सर्व फूट जाएगा वो लोग तो बड़े प्रोफेशनल है ब्रजवासी है ना तो इससे दो तीन महीने पहले ही ब्रज में होली शुरू हो जाती है और कैसे ठाकुर जी सप्त दिवालय है वो ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं ब्रजवासी लोग रंग डालते हैं उनको रंग लगाते हैं तो आप लोग आंख बंद कीजिए और ठाकुर जी के साथ वृंदावन में होली खेलिए सभी हाथ उठाइए एक बार और अजी होली में तबाही मच जाएगी होली में तबाही मच Oh,
उनको क्या करना पड़ेगा, अभी उंगली टेढ़ी की करनी पड़ेगी ना, आप लोग आइए सभी पड़ोस जी, आपके आइए यार, कोई खुशी होगा बनाइए सर्कल बनाइए प्रभु जी का एक्सरसाइज करो, योगा में जाएंगे सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ भी बनाएंगे प्रभु आपको खाली भैया प्लीज प्रभु जी आगे होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, तो होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी, शादी होता है
रोड में किसी को शर्म आती है? नहीं आती। थोड़ा क्षमा करना किसी को अगर कड़वा लग जाए तो, मगर ये कड़वी बात सच्ची है। हम लोग भारत में यहाँ भी लगाओ ढोल बजे भी देखो क्या होगा। ये जमीन ना जमीन, जैसे सीता जी फटकर जमीन में चली गई है तो हम भी वहां चले जाएंगे, ऐसे फट जाएगी। तो इसलिए आप लोग शर्माइए मत, थोड़ा हाथ अगर नृत्य करने का सामर्थ्य है हाथ से ताली बजाकर प्रेम से बोलिए हमारे साथ। कोई बीवी के आगे नाचता है, कोई टीवी के आगे नाचता है, और कोई कहाँ नाचता है, पुलिस वालों के आगे भी नाचते हैं सारे लोग। तो आप लोग हाथ उठाइए भगवान के सामने नाचिए। अजी कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया। आज भी रज में कोई रे रसिया, आज भी रज में कोई रे रसिया, आज भी रज में कोई रे रसिया, आज भी रज में कोई रे कनिया ने क्या किया? अजी घुंघटा दियो उखाड़ के, घुंघटा दियो उखाड़ के, ब्रज की जो रमणिया जो गोपियां इतना लंबा लंबा 84 12 की बता दे लंबा लंबा घूंघट करती है। कनिया ने क्या किया? अजी घुंघटा दियो उखाड़ के, और चूदर दई है फाड़ के, और कुंजन में छिप गयो सावरिया केसरिया रंग तारे के, कुंजन में छिप गयो सावरिया केसरिया रंग तारे के, और घुंघटा दियो उखाड़ के, घुंघटा दियो उखाड़ के, और चूदर दई है फाड़ के, चूदर दई है फाड़ के, शर्म नहीं आवरी मैया कैसो जायो लाला है, मेरे शर्म नहीं आवरी मैया कैसो जायो लाला है, मेरे शर्म नहीं आवरी मैया कैसो जायो लाला है। सारी गोपियां मां बन यशोदा मैया को जाके कंप्लेंट कर रही, क्या बोल रहे कि आपने कैसा लाला जाया, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब बाद में क्या बोल रहे हैं, इस लाला को रखना संभाल के, ये तो क्या करोगे अगर ये मानेगा नहीं ना, तो दूंगी लठिया मार के या लाला रखियो संभाल के, नहीं तो दूंगी लठिया मार के, हो कुंजन में हो कुंजन में हो कुंजन में करो सावरिया केसरिया रंग डाल के, कुछ
हाल खाके वृंदावन में क्या होता है, ओ राधे राधे जय राधे, सभी बोलिए जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे,
अभी थोड़ा सा ये अलग स्टेप नहीं कर रहा है, ये तो आप सीख गए, अभी से थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। ओ राधे राधे राधे
फाइट में कोई नाम अरे नाम नाम कुछ वाले हाँ स्वामी महाराज की जय जितनी लाभ प्रभुशील गौरव महाराज की जय भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति विज्ञान सर्व भारती गोस्वामी महाराज की जय सपार्षद गौरव हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्त तुलसीदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय अनंत मठ गौरव भक्त वृंद की जय समागत गौरव भक्त वृंद की जय ब्रिजवीन के भक्त वृंद की जय श्री अनंत गुट गौर भक्त वृंद की पिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल की जय।